निवेदन है राज कुंद्रा से कि वो क्लियर कर दें जल्द से जल्द। मेरे बयान से नहीं, वो अपनी करतूतों की वजह से गए हैं। बिल्कुल, देखिए जब महाराष्ट्र नोडल पुलिस ने मुझे बुलाया बयान देने के लिए, मैं गई और जो जो जानकारी थी मेरे पास राज कुंद्रा के बारे में, आर्म्स क्राइम के बारे में, मैंने वो सारी जानकारी पुलिस को बताई। क्या लगता है मैम, ऑनलाइन डिजिटल में जिस तरह से जो फैलाया जा रहा है अश्लीलता के नाम पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो भी हुआ है सही हुआ है और कानून का उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। वॉच आउट फॉर द न्यू इम्प्रूव्ड एंड रीवैम्प्ड शेरलिन चोपड़ा। आजकल हम आपके काफी पोस्ट देखते हैं, मतलब आपकी जो पीआर टीम है काफी एक्टिव हो चुकी है, मतलब। नहीं नहीं, मेरी पीआर टीम से ज्यादा एक्टिव है शिल्पा शेट्टी की पीआर टीम। तो मेरे पास फिलहाल कोई पीआर टीम है नहीं, जो भी करती हूँ खुद के दिमाग से करती हूँ, खुद के अनुभव से करती हूँ। और मैं जानना चाहती हूँ शिल्पा शेट्टी से कि वो अपनी पीआर टीम को इतना ज़्यादा महत्व क्यों देती हैं, मतलब उन्हें सामने आकर जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। जी धन्यवाद। Good afternoon to all of you all. First of all, it's a great pleasure that finally we are having actual award functions which are not virtual. So that's a very good part of it, and it's a pleasure to receive this award. So I would like to thank Akhilesh ji and his organization for rendering this award to me. Thank you so much.